अक्सर ये क्वेरी पूछी जाती है कि जो फॉरेन डिग्री की फॉरेन क्वालिफिकेशन की इक्विवेलेंस है उसका क्या प्रोसीजर है या उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। एक तो ये कि उस इक्विवेलेंस के हवाले से आपसे प्रीवियस जो क्वालिफिकेशंस हैं वो नहीं पूछी जाएंगी। जो इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो इसमें लिस्टेड हैं कि फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो कि ऑनलाइन है, उसके बाद डिग्री है जो डिग्री आपने बाहर से ली है उसकी इंग्लिश में यूनिवर्सिटी से या एम्बेसी से या नमल से ट्रांसलेशन होनी चाहिए। अगर वो आपने डिग्री जो है किसी और लैंग्वेज में ली हुई है, ईयर वाइज ट्रांसक्रिप्ट डिप्लोमा सप्लीमेंट है या ग्रेजुएशन स्टेटमेंट होनी चाहिए, या जो रिकॉर्ड है कि कब आप एडमिशन आपने लिया और कब डिग्री कंप्लीट की। और सेम वे अगर वो इंग्लिश में नहीं है तो कंसर्न यूनिवर्सिटी की ट्रांसलेशन या एम्बेसी की ट्रांसलेशन या नमल से ट्रांसलेशन करवा के वो प्रेजेंट करेंगे। पासपोर्ट की कॉपी जिसमें पासपोर्ट ओरिजिनल भी प्रेजेंट करना होगा, जिसमें एंट्री और एग्जिट की जो है डेट्स मेंशन की हों, कॉपी या CNIC रिक्वायर्ड होगी। ये फर्स्ट टाइम ओरिजिनल प्रेजेंट करने पड़ेंगे। अगर आप रीजनल सेंटर किसी से अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ वो फोटोकॉपी, इन डॉक्यूमेंट्स की जो फोटोकॉपी है उस पर सीन एंड ओरिजिनल वेरीफाइड का स्टैम्प लगाएंगे और फिर ये HEC इस्लामाबाद को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस में जो टाइम लगता है नॉट मोर देन 2-3 डेज, और उसके बाद प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशू होता है जो 45 डेज के लिए वैलिड होता है। उन 45 डेज के दौरान स्कॉलर को जो है अपनी यूनिवर्सिटी को ईमेल करके उसके ऑफिशियल डोमेन से उसका रिस्पांस लेना होता है कि मैं फिलहाल डिग्री प्रोग्राम में स्टेट से स्टेट तक एनरोल्ड रहा और मैंने ये क्वालिफाई किया और ये क्वालिफिकेशन अर्न की। उसकी कॉपी ईमेल की जो है वो डीलिंग ऑफिसर जिसने वो सर्टिफिकेट प्रोविजनल इशू किया होता है या प्रोविजनल लेटर इशू किया होता है उसके पास आनी चाहिए, ताकि फिर फाइनल